संन्यास लेने के लिए किसी सदगुरु के पास पूर्व काल में जाया करता था कोई जिज्ञासु भक्त बैरागी जिसमें बैराग उत्पन्न हुआ हो, तो संन्यास की पहली प्रक्रिया होती है कि उसको ब्रह्मचर्य दीक्षा दी जाए। ब्रह्मणे आचार्य ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता पावनता की दीक्षा उसको दी जाए। तो उसके लिए जो ब्रह्मचारी हुआ करते थे, संत बनने की प्रक्रिया से अभी गुजरने वाले हैं, उनको श्वेत वस्त्र दिए जाते थे यानी सफेद रंग का कपड़ा उनको प्रदान किया जाता था। उसका अर्थ ये होता था कि वह सफेद एक पवित्र रंग वेदाग रंग, उस साधक को ध्यान रखना पड़ता था उसमें कहीं दाग न लगने पाए, कहीं कलंक का टीका न लगने पाए, तो उसे सफेद वस्त्र दिए जाते थे। जब उसमें उसकी परिपक्वता हो जाती थी, जब वो निष्णात हो जाता था उसमें, उस परीक्षा को पास कर लिया करता था, तब वो दीक्षा लेता था। और दीक्षा देते समय गुरु उसको जो है क्षमा दया करुणा ये जो है सिखाता है, तो उसको पीले वस्त्र दिए जाते थे। क्योंकि पीला रंग जो है वह पृथ्वी का है, और पृथ्वी से अधिक अगर कोई सहनशील है तो संत है। क्योंकि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटु वचन संत सहे और सहा न जाए। तो पीला रंग क्षमा का रंग, करुणा का रंग, दया का रंग, पृथ्वी का रंग है। वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि धरती का जो कलर है, धरती का माता का जो रंग है वह पीला है। पीला रंग उसको प्रदान किया जाता था। वो नगर में जाता था, भ्रमण करता था, भिक्षाटन करता था, कोई देता था, कोई गाली देता था, हट्टा कट्टा है, जवान है, कमा के खा सकता है, नौकरी कर सकता है, भीख मांगते शर्म नहीं आती है, तमाम तरह की बातें, इन सबको सह करके जब वो परिपक्व हो जाता था तब उसको गुरु जो है साधु बनाता। और जब साधु बना तो साधक है, साधनारत होगा, तो उसको लाल वस्त्र दिए जाते थे। लाल वस्त्र का अर्थ ये होता था, लाल अग्नि का प्रतीक, लाल क्रोध का प्रतीक, लाल खतरे का प्रतीक। तो लाल वस्त्र दे करके यह जो है सिद्ध किया जाता था कि अब ये साधना करने योग्य हो गया है। कहा जाता है कि साधु शेर सांप शैतान कुंभ राशि है एक ही नाम, इनसे दूर से करो प्रणाम, सिद्ध हो सब काम तमाम। जो साधनारत होता है वो आपका ज्वाला होता है, आपकी एक इच्छा नहीं पूरी होती, आपकी एक इच्छा में कोई व्यवधान आ जाए आप क्रोधित हो जाते हैं, बच्चों को मारपीट देते हैं, घर में पत्नी के साथ वाद विवाद कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, थाली पटक देते हैं, लोटा पटक देते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं एक इच्छा की आपूर्ति में। और यहाँ तो सारी इच्छाओं का दमन करना है, उन्हें शांत करना है, उसके बाद साधना करनी है। तो साधक जो होता है वो ज्वाला की तरह होता है, आग की तरह होता है, उसके उन्हें छेड़ना चाहिए। लाल कलर इसलिए उसको प्रदान किया जाता था कि अब तुम जो है साधना रत हो, और लोग जो हैं, दर्शक जो हैं, जान पहचान वाले हैं, वो तुमसे दूर रहे। अगर तुम डिस्टर्ब करोगे निश्चित तौर से वो गाली देगा, मार देगा, चिमटा उठा के मार देगा, त्रिशूल लेके दौड़ पड़ेगा, उसकी साधना भंग होगी और आप कहोगे देखो ये बाबा है। तो ये बहुत समझने की बात है। जब उसमें वो निष्णात हो जाता था, सारी साधनाएं सारी सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती थी, तब उसे काला वस्त्र दिया जाता था। काला रंग सभी रंगों का सम्मिश्रित रंग, मेरी तो काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग, अब वो इक्वल हो गया, पूर्ण हो गया, अब उसमें कोई रंग नहीं चढ़ सकते, अब उसमें किसी और की जरूरत नहीं है, अब और उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता है, वो पूर्ण है, तब उसे काले वस्त्र प्रदान किए जाते थे। ये पूर्णत्व परम पवित्रता का, दैवत्व की प्राकाष्ठा का रंग है। न जाने कैसे मूर्खों ने इसे अशुभ मान लिया, न जाने किस अज्ञानता बस लोगों ने इसे भय का प्रतीक बना लिया, न जाने कैसे लोग इसको अब शकुन मानने लग गए। ये दुर्भाग्य है कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, अपने गुरुओं के साथ सत्संग नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे सर पे सिर्फ काले बाल थे, हम काला कंबल ही ओढ़ कर आए और हम पूर्ण थे, इसलिए बाल स्वरूप को हम ब्रह्म मानते हैं। क्यों? ब्रह्म से तारतम्य बना होता है उसका, तभी तो अपने आप हंसता है, तभी अपने आप रोता है, तभी अपने साथ खेलता है वो। तो ये जो सारी बातें हैं यहाँ ये सिद्ध करती हैं कि काला रंग संतत्व का रंग, श्रेष्ठता का, पूर्णता का रंग है।
इसके बाद यदि भगवे की बात आती है, भगवा पहनने के बाद शास्त्रों का ये मत है कि काष्ठ की यानी लकड़ी की भी औरत नहीं छू जानी चाहिए, स्त्री की छाया मात्र भी ना पड़े। भगवा धारण करके आप समाज में नहीं रह सकते, यहाँ तक हमें अधिकार है, काला तक। समाज सुधार का कार्य हम करेंगे, हर तरह कार्य करेंगे, लेकिन भगवा धारण करने वाले को भग से निकले हुए रंग को हम भगवा कहते हैं। माँ पार्वती जब रजस्वला हुई, जब भगवान विष्णु ने उनके मृत शरीर को माँ सती के भगवान शिव के कंधे से काट काट करके 52 पीठों में जो है परिवर्तित किया, तो जब योनि कटी तो कामाख्या में गिरी और रजस्वला हो गई। आज भी वहाँ रजस्वला होती है माँ, तो उससे जो निकला हुआ रथ वह भगवान शिव के बाघम्बर को रक्तांबर कर गया। भगवा उसी रंग है, रक्त का जो रंग है, खून का जो रंग है, लहू का जो रंग है, वह भगवा है, वह लाल नहीं है। रेड लिटमस सभी बोलने से आपको दिखता है, केमिकल रिएक्शन का रीजन क्या आपको दिखता है। अगर आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा एक बूंद रक्त डाल के देखें तो आपको बिल्कुल भगवा कलर नजर आएगा। तो उस समय से यानी बैराग की चरम सीमा, बैराग की पराकाष्ठा, फिर समाज से कोई लेना देना नहीं, वह ज्ञान मार्ग हो गया, उसका काम रिसर्च है, वैज्ञानिक हो गया वो, अब उसे सिर्फ शोध करना है। और ये जरूरी नहीं कि जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है, जो वैज्ञानिक शोध कर रहा है, वही उसकी प्रस्तुति भी करे। तो भगवा जो है, ये लोगों ने हिंदुत्व का प्रतीक बना लिया, लोगों ने संत का बाना बना लिया, लेकिन भगवा का जो अपना एक महत्व है, गरिमा है, उसका पालन कोई नहीं कर पा रहा है। भगवा चरम है, और भगवा पहनने के बाद संत नहीं होता है वो तत्ववेत्ता हो जाता है, तत्व चिंतक हो जाता है। शायद यही कारण था कि हमारे ऋषि महर्षियों ने जंगलों में रहकर एकांतवास रहकर के सारे नीतियां अनीतियां, सारे शास्त्र पुराण वेद सब कुछ की संरचना कर ली।